उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के तत्वाधान में मंगलवार को उद्योग बंधु की बैठक इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उद्योग भवन में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंजी सिंह, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के सदस्य बीएन अग्रवाल, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा सहित अन्य उद्यमी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उसके समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बैंकों द्वारा उद्यमियों को ऋण प्रदान नहीं किए जाने की शिकायतें देखने को मिली, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योग लगाने के लिए आवेदकों को समय से ऋण उपलब्ध कराएं। इसी के साथ मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने उद्योग बंधुओं की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि और कहा कि विद्युत आपूर्ति 24 घंटा सुनिश्चित करें। इसके अलावा सड़क, नाली, पानी आदि की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सीडीओ ने समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आपके पास कंसल्टेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी दिक्कत नहीं है, जो स्मॉल स्केल के लिए आपको सर इस पर जो लोगों का 68 का टारगेट मिला हुआ है। और इस पर सर जो है कि अप्लीकेशन हम लोग 196 भेज रखे हैं, और ये जो स्कीम है जो है थोड़ा सा बैंक की तरफ से जो है जिससे उनको
नुकसान पहुँच रहा है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं, घर में भी हर चीज़ हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए इसका होना बहुत जरूरी है। कॉस्टिंग ये हम लोग दर्जन के हिसाब से बहुत सस्ते रेट में आएंगे, जो ये जैसे 25 रुपये जोड़े ही आएंगे, और ये है हम लोग 10 रुपये दर्जन, 10 रुपया दर्जन ऐसे आएंगे, मतलब कलर करने के बाद जी। ऐसा करेंगे तो दीपावली तो हम लोग 2 हफ्ते कम से कम वहाँ पे निकाल देंगे, उसे हटा देंगे, वहाँ पे टेंट लगा देंगे, तो आप एक अपना ले लीजिए वहाँ सेल करिए, ठीक है। सारे समूह के लिए मास्क भी रखिए, 2500 समूह में हम लोग ये बनवाने जा रहे हैं, सामान आ रहा है। अच्छा, सामान में क्या आ रहा है? सामान में जैसे प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स आएगा, ये जरूरी है, इससे वो स्ट्रेंथ लेता होगा जी, तो उससे क्या होगा वो मैश करने की जैसे पता नहीं चलता है, आप लोग का कॉन्फिडेंस ही बता रहा है कि आप लोग बहुत आगे। अभी ये वस्त्र भगवान इसके लिए हम लोग वो किए हैं कि सारी चीज बाहर से कोई हमारी बहनें ट्रेनिंग दे रही, उनको मास्टर ट्रेनर बना दिया गया है, ये चाहे वो गारमेंट्स के क्षेत्र में हो, चाहे इन सब के क्षेत्र में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में सब चीज़ें, बैग वगैरह भी हमारे यहाँ बहनें बना रही हैं, ये शिव शक्ति संस्था का समूह रेलवे कॉलोनी वहाँ बना रही है, तो वो इतना अच्छा मतलब ये थी कि बाइक कहाँ करते हो किस दिन सब? सर ये जो अपार्टमेंट है कोरोना के लिए यहाँ भी है, इंदर नगर में खेतान हॉस्पिटल है, हमारी उद्योग बंधुओं के साथ बैठक थी, और इसमें जो उद्योग बंधुओं की जो समस्याएं हैं, और विभागों के दूसरे जो अधिकारी भी आए थे, उन समस्या को हमने नोट किया है, और एक एक समस्या को लेकर हम लोग उसका निस्तारण करने के आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा समूह के द्वारा पूरे हमारे जो गोरखपुर उद्योग है, उन्होंने सपोर्ट से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, जिनके प्रोडक्ट मैंने देखे जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, जिन्होंने पीछे जब लॉकडाउन लगा था मास्क भी पूरे सप्लाई किए थे, तो उसमें भी जो हमारा विकास भवन का NRLM है, उसमें हम लोग एक टाई अप करके उसको और आगे बढ़ाए। बिंदुओं में बिजली विभाग का आया है, बैंकों का मुद्दे आए हैं, और गीडा के बारे में, और एक बड़लगंज में इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें बिजली की समस्या है, मुख्य 4 या 5 ये मुद्दे हैं, और बाकी जो नॉर्मल पिछली बार जो बैठक हुई थी उसके जो मुद्दे थे उसे एक एक पे चर्चा की गई, किनके निस्तारण हो गए हैं कि नहीं। सर इन लोगों के लिए कुछ सहायता करने के लिए किन का जो समूह का? हाँ, समूह का लिए अभी हम जब दीपावली पे विकास भवन में एक मेले का आयोजन करेंगे तो वहाँ इनके प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करेंगे, और एक इन्होंने जैसे अभी बताया कि एक समूह एक प्रोडक्ट पे काम करेगा, इसमें भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग में, आगे जो सेल करने में, या बैंक से जुड़ने में जो भी समस्या होगी हम मदद करेंगे।